Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to Panasonic Quality Kitchen. क्या हाल चाल है आप लोगों का, मुझे जल्दी जल्दी बताइए किसने क्या क्या अभी तक पैनासोनिक के किचन अप्लायंसेस में से जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या खरीदे। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं मिंसर तो पहले जाके खरीदूँ। मुझे कल के शो में पता है मैंने फर्स्ट टाइम मिंसर अपनी लाइफ में यूज़ किया एंड आई थरली एंजॉयड इट। अमेजिंग प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम आपको राइस कुकर में क्या बनाना सिखा रहे हैं। चावल तो नहीं है लेकिन मैंने सोचा, देखें आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें और इस चीज़ को सिर्फ चावल के लिए, पुलाव और बिरयानी और कब्सा और इसके लिए आप रख दें तो ठीक है, वो तो सब बहुत सारे चावल बन सकते हैं, फ्राइड राइस है जो भी, लेकिन इसमें आज हमको हम आपको एक चीज़ फ्राई भी करना बताएंगे। फ्राई कह लो, ग्रिल कह लो, बहुत थोड़ा सा तेल डाल के। ठीक है, और आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी चिकन स्टिक्स। ठीक है, वेरी सिंपल वेरी नाइस रेसिपी। आपको यहाँ पे लेनी है चिकन आधा किलो, दैट्स 500 ग्राम्स। सारा पानी इसमें से आप रिमूव कर दीजिए। सब चीज़ों के साथ आप इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को। ठीक है, इसमें हम सब में पहले शामिल करेंगे नमक एक चाय का चम्मच, भर के दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर एक चाय का चम्मच, गरम मसाला दैट्स ऑल स्पाइस पाउडर हाफ टी स्पून। ठीक है, उसके बाद हम इस पे डालेंगे भुनावा कुटावा जीरा हाफ टी स्पून हीप्ड या वन टी स्पून लेवल, जायफल क्वार्टर टी स्पून पिसी हुई दैट्स नटमेग। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपको क्रीमी चिकन स्टिक्स में। ज़ाफ़रान डाल दिया आपने क्रश करके, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चम्मच, ये ज़ाफ़रान ज़ाया नहीं कीजिएगा, अच्छा एक रह गई थी, ये डाल दिया। उसके बाद कच्चा पपीता मैं एक खाने का चम्मच डाल रही हूँ, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप एक चाय का चम्मच डालिएगा, मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ आई डोंट हैव टाइम, आधे घंटे के शो में मुझे इसको जल्दी से टेंडराइज भी करना है। ठीक है, दही जाएगी इसमें दो खाने के चम्मच, और क्रीमी चिकन स्टिक्स है तो क्रीम ऑफकोर्स इसका लाजमी इन्ग्रीडियंट है, दो टेबल स्पून। रिका मैंने लिया आधा किलो चिकन, ठीक है, उसको क्यूब्स में बोटियाँ करवा दी, इसको हमने मैरिनेट किया, नमक एक चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा जीरा आधा चाय का चम्मच हीप्स या वन टीस्पून लेवल, उसके बाद जायफल एक चुटकी या क्वार्टर टी स्पून दैट्स नटमेग पीस के डालनी है, उसके बाद में ज़ाफ़रान एक चुटकी, अदरक लहसुन एक चाय का चम्मच, कच्चा पपीता एक चाय का चम्मच, आप मसाला लगा के दो घंटे छोड़ दीजिएगा, एक चाय का चम्मच काफ़ी होगा, अगर मेरी तरह आपको जल्दी है फिर आप भी एक खाने का चम्मच लगाइए। यहाँ हमने अपना राइस कुकर 3.2 लीटर कैपेसिटी का ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक कुकिंग फंक्शन है, सेफ्टी फंक्शन है, ज़बरदस्त है, इतना अच्छा है, देखें स्मार्ट एंड वाइट पैन है। मैंने कहा हम कन्वेक्शन में इसको कर सकते हैं लेकिन कन्वेक्शन तो आगे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करना है, कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, तो मैंने कहा व्हाई नॉट डू इट इन दिस। ओके, आई एम यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल, 2-3 टेबलस्पून। इसको हम कुक पे मैंने डाल दिया है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये आप ये सारी रेसिपीज़ मैंने एक तो पैनासोनिक के किचन अप्लाइंसेस को दिमाग में रखते हुए बनाई है, और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो
رمضان شریف کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ایسی ریسیپیز آپ کو ہم سکھائیں, بیکاز بہت شارٹ ٹائم رہ گیا ہے. انشاءاللہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں کے ساتھ یہ مہینہ دکھائے اور اس میں آپ کی کوکنگ بھی بہت کوئک ہو جائے گی. سو یو کین گیو کوالٹی ٹائم ٹو اللہ تعالیٰ اینڈ یور فیملی بائی یوزنگ دیز پروڈکٹس پیناسونک کے کوالٹی کچن اپلائنسز. یہ اسٹکس اباؤٹ 4 لوگوں کے لیے کافی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ایک اسٹک سے زیادہ نہیں کھا سکتے نیچرلی. دیکھا آپ نے, میں نے اس میں ڈالا ہے, اور یہ جو اس کا میرینیشن ہے یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا. اب اس کی کوکنگ شروع ہو گئی ہے, بیکاز میں نے اب اس کو کک پہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں اپنے ہاتھ دھوں گی اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے. 10 منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی اور اسٹکس کی سائڈ کو چینج کروں گی, ٹھیک ہے. 10 منٹ کے بعد ہم ان کو کھولیں گے کوکر کو اور اس کی اسٹکس کو ٹرن کر دیں گے اور مزید 10-12 منٹ پکائیں گے اور بس پھر اس کو سرو کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں آ گیا ہے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. دیکھتے رہیے زبردست سا شو پیناسونک کوالٹی کچن. کریم چکن اسٹکس, اجزا بون لیس چکن 250 گرام, نمک 1 چائے کا چمچہ, پسی لال مرچ 1 چائے کا چمچہ, گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچہ, زیرہ آدھا چائے کا چمچہ, پسی جائفل 1 چٹکی, زعفران 1 چٹکی, ادرک لہسن 1 چائے کا چمچہ, کچا پپیتا 1 چائے کا چمچہ, دہی 2 کھانے کے چمچے, کریم 2 کھانے کے چمچے. کریم چکن اسٹکس, اجزا بون لیس چکن 250 گرام, نمک 1 چائے کا چمچہ, پسی لال مرچ 1 چائے کا چمچہ, گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچہ, زیرہ آدھا چائے کا چمچہ, پسی جائفل 1 چٹکی, زعفران 1 چٹکی, ادرک لہسن 1 چائے کا چمچہ, کچا پپیتا 1 چائے کا چمچہ, دہی 2 کھانے کے چمچے, کریم 2 کھانے کے چمچے. جی ویلکم بیک. میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ یہاں سے جو خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور میں اس کو اب کرنے جا رہی ہوں کک وارم پہ, ٹھیک ہے. اب یہ وارم پہ رہ گیا, اب آپ کی مرضی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اسی میں, آرام سے گرم رہے گا جب تک آپ کے میاں صاحب گھر آئیں, اور یو نو افطاری کے لیے آپ بنا کے رکھ لیں اس کو, 6 بجے 5 بجے بنا کے اسی میں چھوڑ دیجئے, وہ گرم رہے گا. آپ نے اسٹکس نکالی اور سیدھا ٹیبل پہ, جب تک آپ نے افطاری کھڑے ہوئے ہیں آخری دم تک فرائی کر رہے ہیں, کچھ بھی جھنجھٹ نہیں ہے. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریے, پیناسونک کے کچن اپلائنسز خرید کے آئیے, ٹھیک ہے. اب کھولوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں, واو, بالکل کر گئی, یہ بالکل, یہ دیکھیں, یہ دیکھا آپ نے, یم, یہ دیکھیں براؤننگ دیکھیں. دس سروس 3, 4, 2 ڈپینڈنگ آن یور ایپیٹائٹ, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا الحمدللہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کا میں جا رہی ہوں پلگ نکالنے تاکہ آ جاتے ہیں آج کی دوسری ریسیپی کی طرف. اچھا یہ نکالیں گے اور واش کر لیں گے, لیکن پلیز خیال رکھیے گا اس میں کوئی ایسی چیز رگڑے نہیں, ماسی کو نہ دیجیے گا کہ پتہ چلے آپ کی انویسٹمنٹ ہی ہو جائے, آپ خود دھوئیں. ایسی چیزیں کوئی دیر نہیں لگتی. اس کو تھوڑی سی دیر 5 منٹ آپ نے پانی میں چھوڑ دیا, ہلکا سا جے کلاتھ یا اسپنج لے کے آپ نے کوئی بھی اچھا سا آپ نے وہ ڈالا لکوڈ سوپ, اور اس سے آپ نے دھو لیا,
आते हैं आज की दूसरी रेसिपी की जानिब, जो हम इसके साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक बना रहे हैं, पाइनएप्पल एंड क्रीम। ठीक है, बहुत ही मज़े का। मुझे चाहिए पाइपिंग बैग, थोड़ी सी क्रीम डालूंगी इसमें, व्हिप्ड क्रीम, ठीक है, थोड़ी सी चाहिए, अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दूध और ये मैं क्या यूज कर रही हूँ, बेहतरीन सा हमारा 3-in-1 जूसर भी है इसमें, ब्लेंडर भी है, ड्राई मेल भी है। इसका ब्लेंडर हम यूज कर रहे हैं, 1/2 कप हमने वो ले लिया। उसके बाद हम इसमें पाइनएप्पल डालेंगे 1 कप। ये रमज़ान के लिए आपको सोचे ना कितना काम आएगा, बर्फ, थोड़ी सी शुगर 1 टेबलस्पून भी बहुत है, और थोड़ी सी क्रीम इसमें भी जाएगी और थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए 2 टेबलस्पून इसमें डाल। You can add little water also in this, about 1/4 cup. If I need, I'll add it. बर्फ अच्छी तरह होनी चाहिए। मेड इन मलेशिया है, पावरफुल मशीन है, टू गुड। ठीक है, इतनी देर ब्लेंड करेंगे कि बर्फ आपकी क्रश हो जाए। चलो, दिस इज डन। हमने लिया था 1/2 कप दूध, 1 कप पाइनएप्पल चंक्स या क्यूब्स, ठीक है, चीनी डाल दी उसमें 1 या 2 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और हमने इसमें बर्फ शामिल कर दिया और 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दी। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, आपके सामने आके डेकोरेट करूंगी। पाइनएप्पल एंड क्रीम, अच्छा, पाइनएप्पल 1 कप, फिटी हुई क्रीम 1/2 कप, दूध 1/2 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, कुटी बर्फ 1 कप, पुदीने की पत्तियां डेकोरेशन के लिए, फिटी हुई क्रीम डेकोरेशन के लिए। पाइनएप्पल एंड क्रीम, अच्छा, पाइनएप्पल 1 कप, फिटी हुई क्रीम 1/2 कप, दूध 1/2 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, कुटी बर्फ 1 कप, पुदीने की पत्तियां डेकोरेशन के लिए, फिटी हुई क्रीम डेकोरेशन के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। यह हमारा ड्रिंक बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा क्रीम से पाइप कर दो। और आप इस पे रख दीजिए मिंट लीव्स, पाइनएप्पल का एक लगा दें, या बट आई लव मिंट, पाइनएप्पल गोज वेरी वेल विद मिंट, बेहतरीन है ये हमारा जूसर ब्लेंडर जो हमने यूज़ किया है, इट पैनासोनिक, इट्स टू गुड। कितनी अच्छी तरह इसमें ब्लेंडिंग हुई, बर्फ क्रश हो गई, बेहतरीन। एक और
आप इसमें जूस निकाल सकते हो, इसमें पूरा एक एप्पल चला जाएगा। मैं सिखाऊंगी आपको आगे इसमें कोई अच्छी सी स्मूदी। और 120 डिग्रीज घूम जाता है, एंटी ड्रिप है इस, ये देखें नीचे और ऊपर कर दें तो इसका जो आखिरी ड्रॉप भी होगा वो भी नहीं गिरेगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ज़रूर ख़रीदिए। आज आपने हमसे दो डिशेस सीखी, दो चीज़ें सीखी, एक हमने किया क्रीमी चिकन स्टिक्स और ये पाइनएप्पल क्रीम। ठीक है, क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा और पुदीना या पाइनएप्पल या चेरी लगा दीजिए जो आपके पास मौजूद हो, जो आपको पसंद है। वक्त आ चुका है रिकैप का, आप चल के रिकैप देखिए। क्रीम चिकन स्टिक्स, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, नमक एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, गर्म मसाला आधा चाय का चम्मच, जीरा आधा चाय का चम्मच, पिसी जायफल एक चुटकी, जाफरान एक चुटकी, अदरक लहसुन एक चाय का चम्मच, कच्चा पपीता एक चाय का चम्मच, दही दो खाने के चमचे, क्रीम दो खाने के चमचे। तरकीब, चिकन में तमाम अज्जा मिलाकर दो घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब चिकन को स्क्यूअर पर लगाकर पैनासोनिक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में ग्रिल करें, आखिर में चटनी के साथ सर्व करें। पाइनएप्पल एंड क्रीम, अज्जा पाइनएप्पल एक कप, फिटी हुई क्रीम आधा कप, दूध आधा कप, चीनी दो खाने के चमचे, कुटी बर्फ एक कप, पुदीने की पत्तियां डेकोरेशन के लिए, फिटी हुई क्रीम डेकोरेशन के लिए। तरकीब, तमाम अज्जा को पैनासोनिक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें, फिर पुदीने की पत्तियों और फिटी हुई क्रीम से डेकोरेट करके सर्व करें। जी देखा आपने रिकैप, आई होप आपको ये क्वालिटी किचन का जो हमारा शो है पैनासोनिक क्वालिटी किचन अच्छा लग रहा होगा। नई नई चीज़ें आपको बनाएंगे, सीखिए, नए प्रोडक्ट्स खरीदिए। एंड आई रेकमेंड यू टू गेट पैनासोनिक बिकॉज वाकई जो मुझे मज़ा आ रहा है ये शो करते हुए, बिकॉज आई एम यूजिंग द क्वालिटी अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, फ्रिज, माइक्रो जूसर्स, 3-in-1 फूड प्रोसेसर, राइस कुकर, मिंसर, टू गुड। ठीक है, चलिए जी, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ये शो आप मसाला टीवी से हर रोज़ देख सकते हैं, पीर से जुमा शाम 4:30 बजे। अगर आपसे किसी वजूहात की वजह से ये शो मिस हो जाता है तो फिर आप यही शो का रिपीट अगले दिन देखेंगे दोपहर 12:30 बजे। ट्यूसडे से सैटरडे ये शो रिपीट होगा और शाम में आप 4:30 बजे हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे देख सकेंगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग पैनासोनिक क्वालिटी किचन। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मसाला है तो खाने में है मजा।